गोरी सास और बहू को खूबसूरती का घमंड। माया और मोनिका अपने चेहरे पर ब्लीच क्रीम लगाकर बैठी हुई थी। माया की उम्र 60 साल थी, मगर जब से मोनिका उसकी बहू बनकर आई थी, उसे भी बढ़ती उम्र में मॉडर्न होने की होड़ हो गई। और ऐसे में उसे अपनी बहू मोनिका से मेकअप, फेशियल और भी बहुत कुछ करने की बुरी लत लग गई। अरे मोनिका बहू, तूने मेरे चेहरे पर कौन सा क्रीम थोपा है? इसे लगाकर मुझे चेहरे पर जलन हो रहा है। रिलैक्स माँ जी, ये निविया का ब्लीच क्रीम है। ये चेहरे का डस्ट हटाकर चेहरे की खिला खिला और खूबसूरत भी बनाता है। तब ठीक है। इसके बाद दोनों सास बहू अपने चेहरे पर लगी हुई ब्लीच क्रीम को साफ कर लेती है और माया अपने चमकते चेहरे को देखकर चौंक उठती है। अरे वारे, बड़ी बहू, तूने तो मुझे चमका दिया। ये मोनिका का मैजिक है माँ जी। दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ अच्छी खासी कर रही थी, मगर अपनी भाभी और माँ को हर वक्त खूबसूरती के पीछे भागने की होड़ ने रवि का मन फीका कर दिया और रवि रूपा से शादी करके उसे घर ले आया। रूपा का रंग बहुत ही सांवला था, उसके चेहरे पर खास खूबसूरती भी उभरी हुई नहीं थी, पर वह मन की बहुत भली थी। मगर ये जमाना भले लोगों का रहा ही कहाँ है। जैसे ही मोनिका और माया रूपा को देखते हैं तो गुस्से से चिल्लाते हुए माया कहती है, राम 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 रवि, तेरी पसंद को क्या हो गया है? दुनिया की खूबसूरत लड़कियां खुदकुशी करने चली गई थी क्या, जो तू इस बुझी हुई चिराग को बीवी बनाकर ले आया? माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं देवर जी। अरे जरा देखो तो इसका रंग एकदम जले उपले जैसा है। अरे अपना नहीं तो मेरी और माँ जी की खूबसूरती का ख्याल तो कर लिया होता। बस कीजिए आप दोनों, रूपा मेरी बीवी है, वो जैसी भी है मुझे पसंद है। आप दोनों को कोई हक नहीं मेरी बीवी को बुरा भला कहने की। ये कहकर रवि रूपा को लेकर कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब रवि के काम पर जाते ही दोनों सास बहू अपनी खूबसूरती पर घमंड खाते हुए रूपा को काले होने पर सुनाना शुरू कर देती हैं। अरे ओ मेरी काली बहू, नाश्ता रेडी हुआ कि नहीं? बस हो गया माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद, ये लीजिए माँ जी, अदरक इलायची की दमदार चाय और गर्मा गर्म आलू के पराठे। रूपा का बनाया खाना देखकर दोनों सास बहू नखरे करती हुई कहती है, यू दिस इज टू मच। अरे ओ ब्लैक टी, तुमने जानबूझकर इतना ऑयली खाना बनाया है ना, ताकि हम सास बहू से हमारी खूबसूरती छीन सको। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये कहकर मोनिका गुस्से में रूपा का गला पकड़कर उसे मेज से गड़ा देती है और माया सारा खाना जबरदस्ती रूपा के मुंह में भरने लगती है। हमारी ब्यूटी बिगाड़ने चली थी ना, ले ठूस ये खाना, काली भैंस कहीं की। दोनों सास बहू बिचारी रूपा पर बहुत अत्याचार करती हैं, जिसे रूपा की आंखें भराती हैं। उस दिन के बाद से ऐसे हादसे झेलना रूपा के लिए हर दिन की बात हो गई थी। एक दिन रूपा रसोई के काम खत्म करके जैसे ही बाहर आती है तो माया बोलती है, अरे ओ काली चुड़ैल, चली धरा। जी माँ जी, कहिए। अपने कानों की धूल झाड़ कर सुन, आज शाम को मेरी सहेलियां किटी पार्टी में घर आ रही हैं, इसलिए अपना ये काला चेहरा ढककर रखना, समझी? जी 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 माँ जी, समझ गई। और हाँ, शाम का सारा खाना ऑलिव ऑयल में बनाना और कुछ खास बनाना। शाम होते ही दोनों सास बहू अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेकअप करके रेडी हो जाती हैं। उतने में किटी पार्टी करने के लिए औरतें भी आ जाती हैं। OMG माया, यू लुकिंग सो सेक्सी एंड क्लासी। डॉली, तुम्हें तो पता होना चाहिए, इन सास बहू का खूबसूरत चेहरा ही तो हमारी किटी पार्टी क्लब की जान है। यू आर राइट मिसेस रीटा, हम दोनों सास बहू हैं ही इतनी खूबसूरत, जहां जाते हैं छा जाते हैं। इसके साथ किटी पार्टी शुरू हो जाती है। तभी रूपा घूंघट किए हुए घर आई अपनी सास और जेठानी की सहेलियों को स्नैक्स सर्व करती है। तभी उसके सर का घूंघट गिर जाता है और मार खाने के डर से भर कर रूपा अपनी सास से माफी मांगने लगती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं। रूपा के मुंह से सास सुनकर किटी पार्टी क्लब की सारी औरतें रूपा का मजाक बनाती हैं। क्या सासू मॉम? माया, आई कॉन्ट बिलीव इट कि ये कैपेचिनो तुम्हारी बहू है। कहाँ तो अब तक तुम दोनों सास बहू खूबसूरती की मिसाल थी, बट ये क्या हो गया? क्या हुआ माया और डॉली, अब अपनी खूबसूरती पर भाव नहीं खाओगी? लेट्स गो लेडीज, अभी हमारी किटी पार्टी क्लब की मेंबर नहीं। सभी के घर से जाते ही मोनिका अपनी हाई हील्स खोलकर रूपा को देती है, पहन इसे। मैंने कहा पहनो इसे। नहीं जेठानी जी, मुझे ऐसे चप्पलों पर चलना नहीं आता। अगर तूने इसे नहीं पहना तो चलने के लायक नहीं बचेगी।
रूपा उस हाई हील्स को पहन लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू हाथों में नुकीली छड़ी लेकर बोलती हैं, अब तुझे इस हील्स पर बिना लड़खड़ाए भागना है, अगर तू रुकी तो तू गई। बेचारी रूपा अपनी जान बचाते हुए दरवाजे की तरफ भागती है, तभी लड़खड़ा कर वह नीचे गिर जाती है और उसके पांव के गहरी मोच आ जाती है, जिस पर मेनका और माया उसे बहुत मारते हैं। आह आह माँ, मुझे मत मारो माँ जी, जेठानी जी मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दे, आज तेरे बदसूरत चेहरे के कारण हम दोनों सास बहू मजाक बन गई, आज तू नहीं बचेगी। दोनों सास बहू रूपा को मार ही रही होती हैं, तभी सुरेंद्र, गोपाल और रवि घर आ जाते हैं और सुरेंद्र गुस्से में माया को थप्पड़ मारता है। बस माया, अरे तुम दोनों सास बहू क्यों मार रही हो इस बेचारी को? हाँ माँ, रूपा ने क्या किया है? आज इसके काले चेहरे के कारण हमारी इमेज बिगड़ गई। जिस खूबसूरती के बेस पर हम किटी पार्टी क्लब की हेड थी, आज हमें वहाँ से निकाल दिया गया। दिमाग फिर गया है तुम दोनों सास बहू को। रवि, रूपा बहू को कमरे में ले जा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन, माँ जी हमारा फेस बहुत डल सा लग रहा है, चलिए ना आज पार्लर चलते हैं। ठीक है बहू, मैं तो कब से रेडी हूँ। दोनों सास बहू पार्लर पहुंच जाती हैं, तभी लीजा अपने स्टाफ के कान में फुसफुसाती है, जेनी वो जो फेशियल के खराब प्रोडक्ट रखी है वो ले आओ। जी लीजा मैम। सुनो, एकदम अच्छे से फेशियल करना ताकि हमारा चेहरा खूबसूरत और खिला खिला दिखे। जी बिल्कुल। लीजा एक्सपायर फेशियल प्रोडक्ट दोनों सास बहू के चेहरे पर लगा देती है, जिसके बाद दोनों पैसे देकर चली जाती हैं और लीजा हंसती हुई कहती है, इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम, खराब प्रोडक्ट से भी पैसे कमा लिए मैंने। एक ही रात में दोनों सास बहू का चेहरा दाग धब्बे और दानों से भर जाता है। सुबह होते ही अपने खूबसूरत चेहरे का बिगड़ा हाल देखकर दोनों सास बहू जोर से चिल्लाती हैं। ये कैसी आवाज थी माँ जी, जेठानी जी, ये आपके चेहरे को क्या हो गया? नहीं, मेरा चेहरा खराब नहीं हो सकता, मैं इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। ये कहते हुए माया अपने कमरे का शीशा तोड़ देती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, तभी रूपा उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाइए माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ आपकी कोई खूबसूरती लौटा कर रहूंगी, भरोसा कीजिए। रूपा अपनी सास और जेठानी के चेहरे पर हल्दी चंदन का उबटन करती है और धीरे धीरे उनके चेहरे पर झाई, धाग, धब्बे सब मिट जाते हैं। और पूरी तरह से ठीक होने के बाद दोनों सास बहू पछताते हुए कहती हैं, रूपा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा और हर्ष तुम्हारे कारण हमारी खोई हुई खूबसूरती मिल गई, हमें माफ कर दो रूपा। हाँ बहू, हो सके तो हमें माफ कर दे। माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों मुझसे बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। उस दिन के बाद से माया और मोनिका के अंदर से खूबसूरती का घमंड खत्म हो जाता है और वह रूपा को मन से अपना लेती हैं। सिर्फ चेहरे की खूबसूरती ही काफी नहीं, क्योंकि इंसान का व्यवहार उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अंजना ने अपने बेटे रवि की शादी मेघा नाम के गरीब परिवार की लड़की से की थी। रवि एक मध्यम वर्ग के परिवार से था। उसके घर में माँ अंजना, पिता रमेश रहते थे। कुछ ही दिनों में मेघा ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। वो गरीब परिवार से है, ये जानने के बावजूद भी वो उसे दहेज की मांग करती है और न मिलने पर उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक शाम मेघा आरती गा रही थी, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। पूजा खत्म करते ही मेघा सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी ये लीजिए प्रसाद। जा जाकर काम कर। और हाँ, तेरे ससुर जी को चाय नाश्ता दिया? जी माँ जी। ये कहकर मेघा अपने ससुर को चाय नाश्ता देकर उसके पैर छूती है। कुछ देर बाद जब मेघा कपड़े धो रही थी तो अंजना ढेर सारे कपड़े फेंक कर कहती है, ए गरीब कहीं की, चले सारे कपड़े अच्छे से धो और सूखने के बाद अच्छे से इस्त्री करके कपड़े रख देना। जी माँ जी। सास अंजना का व्यवहार धीरे धीरे मेघा के प्रति बहुत खराब हो चुका था। इस बात से लगा कि देखो काफी चोट पहुंचती है। ये बात वो अपने पति से कह भी नहीं सकती थी, जो कि बेटा अपनी माँ के काबू में था और अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहता था। मेघा की माँ कविता गरीबी में अपना जीवन काट रही थी। सेठानी के घर झाड़ू पोछा करके कविता अपने दोनों बच्चे श्रेया और पीयूष को पाल रही थी।
पैसे न होने के कारण कविता को मकान मालिक उसके बच्चों और सामान सहित घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद कविता, श्रेया, पीयूष अपनी बड़ी बेटी के घर आ पहुंचते हैं। तभी मेघा अपनी माँ को देखकर गले लग जाती है। माँ, आप अचानक से यहाँ? आपने तो मुझे बताया नहीं। और मेरे भाई बहन कैसी है? श्रेया और पीयूष, तू? ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। माँ, आपने बताया नहीं। बेटा, दरअसल पैसे नहीं थे, मेरा वहाँ से काम छूट गया। मैंने बहुत विनती करी लेकिन मकान मालिक नहीं माना और उसने हम तीनों को घर से बेदखल कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे पास नहीं आना चाहती थी लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में मेरे पैर मुझे तेरे पास खींच लाए। कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ रहने जाऊँ इन दोनों बच्चों को लेकर। क्या माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अच्छा हुआ जो आप इन दोनों के साथ यहाँ आ गई। मैं माँ जी से बात करूंगी, वो मान जाएंगी, मना नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, बस मेघा थोड़े दिन की बात है, जैसे ही कुछ काम मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो, आप जितने दिन चाहो अपनी बेटी के पास रह सकती हो। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी दी, बहुत भूख लगी है। उनकी ये सारी बातें सुनकर अंजना ताली बजाते हुए आकर कहती है, आहा, होटल खोल रखा है ना मैंने तो, है ना बहू, जो तेरी माँ यहाँ पर आकर रहेगी, तेरा भाई पीयूष रहेगा और तेरी बहन श्रेया रहेगी। अरे मेरा बेटा तो पागल है जो कमा कमा कर लाता है और तेरी माँ बहन भाई को मुफ्त में खाना खिलाएगा। नहीं नहीं, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी आया पसर जाए गरीब कहीं के। अरे अंजना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो हमारी समधन है। अरे काय की समधन, गरीब है ये, नहीं पता है क्या आपको? माँ जी थोड़ा तो लिहाज कीजिए, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं उनको? मुंह से कह सकती हूँ और क्या, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अब गरीब हैं तो हैं, जबी तो मुंह उठाकर यहाँ आ गई हैं। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मम्मी और मेरे भाई बहन के पास अभी रहने की कोई जगह नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज उन्हें यहाँ रहने दीजिए, प्लीज माँ जी। ओहो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्यों ना मैं इन सबको नौकर बनाकर रखूं। ठीक है बहू, एक ही शर्त है, तेरी माँ और तेरे भाई बहन को मैं अपने घर में रखूंगी। वो ये है कि जब ये तीनों मिलकर घर का काम करेंगे तभी इस घर में रहेंगे, वरना भूखे नंगे गरीबों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। वैसे भी तू कौन सा दहेज में सोना चांदी लाई थी, मेरी शर्त माननी है तो ठीक, वरना तेरी माँ तेरे भाई बहन यहाँ से जा सकते हैं। माँ जी ऐसा मत कीजिए, थोड़े दिन की ही बात है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ये शर्त मंजूर है, हम तीनों यहाँ काम कर लेंगे। अंजना, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अजी तुम चुप ही रहो, मेरा घर है, मेरा बेटा कमाता है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं ये मेरी मर्जी होगी, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। समधन जी आप गुस्सा मत कीजिए, हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे। चलो अच्छा ही हुआ आपने मान ली मेरी बात, जाइए। बहू जा, थोड़ा खिला दे पिला दे, बहुत भूखे होंगे तेरे मायके वाले। ये सुनकर मेघा अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों को खाना पीना खिला देती है और रोते हुए मेघा कहती है, माँ मुझे माफ करना, मेरी सास ने आपसे इस तरीके से बात की और ये शर्त माननी पड़ी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। हाँ दीदी, हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मानना ही होगा। जब मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी तो माँ को ऐसे परेशान नहीं होने दूंगी। इस तरह मेघा के मायके वाले खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद अंजना आकर कहती है, बस बस समधन जी, आपने बहुत आराम फरमा लिया, अब जाकर कुछ काम भी कर दीजिए। रसोई गंदी पड़ी है, थोड़ा साफ कर दीजिए। और पीयूष तुम पौधों में पानी डाल दो, और श्रेया बेटा तुम जरा मेरी अलमारी के कपड़े लगा दो, और हाँ कविता बहन अच्छे से करना काम। जी समधन जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं और बच्चे सही से काम करेंगे। अंजना की बात सुन मेघा के मायके वाले उसकी सास की उंगलियों पर नाच नाच कर उसका हर फरमाया हुआ काम करने लगते हैं, और यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो अंजना उसे दोबारा करवाया करती थी, और मेघा और उसके परिवार वालों को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। इस तरह कुछ वक्त बीत जाता है। अब अंजना उन्हें पूरे दिन काम करवाने के बाद सिर्फ एक वक्त का खाना देती थी, वो भी ऐसा जो खाने लायक नहीं होता था। कविता और उसके तीनों बच्चे काम करके बैठे ही थे तभी मेघा कहती है, माँ जी मैंने मेरे भाई बहन माँ ने घर का लगभग सारा काम कर दिया, स्टोर रूम भी साफ कर दिया, बहुत भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हाँ हाँ लो, ये रहा तुम चारों का खाना। ऐसा कहकर अंजना सूखी चार रोटी और सूखी लाल मिर्च और प्याज रख कर दे देती है। ये देखकर मेघा कहती है, माँ जी आप क्या कर रही हैं,
हम पूरे दिन सुबह से काम कर रहे हैं और आप ये खाना दे रही हैं, ये तो खाने लायक भी नहीं है। रोटी के साथ सूखी लाल मिर्च कौन खाता है? मैं अपने लिए नहीं मांग रही, कम से कम माँ के साथ तो ऐसा मत कीजिए, वो भी आप ही की उम्र की है लगभग। अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे क्या सही और क्या गलत? मेरे घर में तो यही मिलेगा, खाने को मिलेगा। खाना है तो खाओ, वरना घर से बाहर निकल जाओ। मुझे गरीब भिखारी लोगों को अपने घर में रखने का कोई शौक नहीं है। और बहू, तू भी अपनी माँ के साथ घर छोड़कर जा सकती है, समझी? दीदी, ये तो बहुत गंदा खाना है। जब से हम आए हैं हमें बद से बदतर खाना मिल रहा है, इससे तो पेट में बहुत जलन होती है। पीयूष चुप हो जा, चिंता मत कर। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ओहो, फिर वही सब बातें। रमेश ये सारी बातें सुन लेता है और अंजना का कहर उसके मायके वालों पर देखकर बोल पड़ता है। अंजना, तुम्हें इंसानियत नाम की चीज बची है या नहीं? कुछ नहीं तो बच्चों का ही ख्याल कर लो, ये सब कैसे खाएंगे? आपकी ही कमी थी आप आ गए। आप बोलते बड़बड़ाते रहिए, चाहे तो उनके सेवा पानी कर लीजिए, मैं तो चली। ये कहते ही घमंडी अंजना सीढ़ियों पर चढ़कर जाती है कि उसका पैर फिसल जाता है, जिससे सिर पर बहुत चोट आती है। और मेघा अपनी सास को देखकर चिल्लाती है। उसके सिर से खून बहने पर मेघा पल्लू फाड़कर बांधती है ताकि उसका खून रुक जाए, और फौरन सब उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां कुछ देर बाद अंजना को होश आता है। कैसी हो अंजना तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें यहाँ सही वक्त पर हम नहीं लाते और बहू ने तुम्हारा खून रोकने से नहीं बचाया होता तो बहुत बुरा हो जाता। जिसको तुमने इतना कोसा उसने ही तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहू, मैंने तेरे और तेरे मायके वालों के साथ बहुत बुरा किया। बच्चों, समधन जी मुझे माफ कर दीजिए, और मेरी जान बचाने के लिए बहू तेरा शुक्रिया। अब समधन जी हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकती हैं। आखिर मेरा बेटा भी तो इनका ही बेटा है। अरे बहन जी, आपने इतना कह दिया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ दिनों में मुझे काम मिल जाएगा, एक जगह मैंने बात की थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ देर बाद अंजना घर आ जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।